यहाँ से दो रास्ता है, एक इस साइड से है और एक इस धार से है। अभी चलते हैं महादेव जी के मंदिर में और दर्शन करेंगे, और आप लोग को भी वीडियो के थ्रू माध्यम से दिखाएंगे। और आप लोग वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। और वीडियो आसपास के भी क्षेत्र दिखाऊंगा, और मैं चलता हूं अभी दर्शन करने, और दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप लोग से फिर मिलता हूँ वीडियो में वापस। यह बीच में नाला बना हुआ है और दोनों साइड से, और पीछे के रास्ते से नदी है, और इस साइड में इस नाले से हम लोग ये पुल के थ्रू, पुल के पुल से होकर के निकलते हैं। मान लीजिए इसको ब्रिज बनाया हुआ है पुल के ऊपर से, एक बार से दिखा देता हूँ आप लोग को। ये ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर से होकर हम लोग मंदिर के पास जाते हैं। पीछे का साइड का थोड़ा दृश्य, और आगे जा कर के वहाँ पे जाके दिखाते हैं आप लोग को। थोड़ा फास्ट बोलूँगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये मंदिर के पीछे का ये सीढ़ी बनाया जा रहा है शायद, लग रहा है हमको। और यहाँ पे ये कुंड है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने एक भाई का वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे पुजारी बाबा बता रहे थे कि यहाँ पे सफ़ेद दाग ये कुंड का पानी से सही हो जाता है। यहाँ पे सफ़ेद दाग कितना भी रहता है, आदमी यहाँ पे आते हैं तो लोग का सफ़ेद दाग बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा मंदिर जो है नदी के किनारे है, और इस नदी का नाम है दमन गंगा है, और आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये मंदिर। अभी बारिश का मौसम है, और हो सकता है कि बारिश हो, क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, और यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ की जनता कहती है कि जब श्री राम जी का वनवास हुआ था तो वो यहाँ पे आके रुके हुए थे कुछ दिन, और उसी समय से यह लोग को पता चला, तो धीरे धीरे आज तक लोगों को पीढ़ी बाई पीढ़ी लोगों को पता रहा। और आज के लोगों को कहना है कि यहाँ पे श्री राम जी रुके हुए थे, इसलिए थोड़ा मंदिर का महत्व बढ़ जाता है, और आने वाला टाइम में महत्व बढ़ना रहेगा, क्योंकि अपना यह जो है मंदिर बहुत ही फेमस है इधर का क्षेत्र का।
यह नदी वहाँ से आकर के मुड़ी हुई है और यहाँ पे ठीक आते आते यहाँ सामने जाते हुए और फिर आगे जाकर को वहाँ पे वापस उधर मुड़ गई है। यहाँ पे काफ़ी घुमावदार नदी है और यह जो बिजली का तार देख रहे हैं यह ठीक लवाछा मंदिर से पीछे के साइड से निकला हुआ है। अभी पानी का स्तर कम हो गया है और बारिश की वजह से, बारिश अभी रुका है ना, इसलिए थोड़ा स्तर कम हो गया, नहीं तो बारिश पूरा यहाँ पे यहाँ तक मैं नहीं आ सकता था, लेकिन बारिश नहीं है अभी हो रहा है तो इसलिए थोड़ा मेरे को आने का इधर टाइम मिल गया, इधर वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया। इस मंदिर का नाम रामेश्वर मंदिर रखा गया है क्योंकि यहाँ पे राम जी रुके थे, इसलिए रखा गया है। और यह मंदिर गुजरात में पड़ता है और ठीक यह दादरा गार्डन जो है ना, दादरा गार्डन के ठीक पास ही में 500 मीटर की दूरी पे, कुछ दूरी पे है। और यह गेट से रास्ते जो है सिलवासा रोड है, सिलवासा वाली रोड में यह एक गेट बना हुआ है दक्षिण साइड में, और उसी रास्ते से हम लोग होकर के आते हैं यहाँ पे। और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है इसलिए मेरे को थोड़ा बताना पड़ता है। लवाछा मंदिर का जो सिलवासा रोड पे जो गेट बना हुआ है वहाँ से 5-10 मिनट में हम लोग यहाँ पे मंदिर तक आ जाते हैं, और वो मैं पैदल की बात कर रहा हूँ।